Hello friends, welcome to YSO again, and today we are going to discuss another part of the parenting series. Another parents, just the last episode I talked about one case and this another case. ये दूसरी case है जब एक बार लेकर आए बच्चे को. ये छठी या सातवीं कक्षा का बच्चा था, उन्होंने कहा कि ये बेइंतहा झूठ बोलता है, ये बेइंतहा बहाने बनाता है और ये बातों को बहुत टाल मटोल करता है. तो हमने देखा, उसके कहा कि इसके दिमाग्स तो सही आते हैं और बीच बीच में कुछ तो यहाँ पे वर्क्स को नहीं जाता, कभी स्कूल नहीं जाता, बंक कर देता है, इधर उधर जाता है. तो देखने के बाद हमने देखा कि वो ऐसा आचरण क्यों करता है. तो उसके जब उसकी समुपदेशन किया गया, उसकी काउंसलिंग की गई, उसे देखा गया, समझाया गया, तब ये बात सामने उजागर सामने आई कि वो जो है अपने आसपास के वातावरण को देख के समझ रहा था, सीख रहा था. उसने कहा कि जब भी उसके पिता बात करते हैं तो वो हमेशा सामने वालों को टाल देते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं आगे नहीं हूँ, पीछे हूँ, या कहीं भी बातों को घुमा देते थे. वो अपने माता जी से भी ये बात देखा था और उसको वो कहते थे व्यवहार ज्ञान. तो वो समझ गया कि झूठ बोलना ये एक कला है, ना कि पाप, और इसी को उसने आगे बढ़ाया. सो ऑलवेज बी अवेयर, डोंट वरी दैट चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट इज ऑब्जर्विंग यू. ये बात मैं हमेशा कहता हूँ. ये बात बड़ी नहीं है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत बात बड़ी है कि बच्चे हमें देख रहे हैं. हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, चोरी नहीं करना पूछने के लिए, और अचानक हमें मोबाइल पर या फोन आ जाए तो हम कह देते हैं, दरवाजे पर आए तो कहते हैं, बोल दीजिए कि पापा घर पर नहीं है, मम्मी घर पर नहीं है. हमारे कथनी और करनी में अंतर होता है और इसी का सीधा परिणाम उनके कोमल मन मस्तिष्क पर होता है और इस उधेड़बुन में वो भी उसी राह पर चल पड़ते हैं जो नहीं चलना चाहिए. सो ध्यान रखें और